आप देख रहे हैं 7 इंडिया न्यूज। पीएम की हत्या की साजिश, 5 को किया गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश के सिलसिले में पुणे पुलिस ने मंगलवार को छापा मारकर 5 माओवादियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए लोगों पर माओवादी संगठन व नक्सलियों से रिश्ते के आरोप हैं। ताज के संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट को चिंता। सुप्रीम कोर्ट ने विश्व धरोहर ऐतिहासिक इमारत ताजमहल के संरक्षण में लगी अथॉरिटी के मामले की गंभीरता के प्रति सचेत करते हुए कहा है कि अगर ताज नहीं रहा तो संरक्षित करने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। खाद्यान्न घोटाले की जांच की आग में फंस सकते हैं कुछ अधिकारी। खाद्यान्न घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नई परतें खुलती जा रही हैं। डीलरों पर शिकंजा कसते ही कोटेदार दबे मुंह अपने आकाओं की ओर इशारा कर रहे हैं। खुलकर नाम नहीं लिया जा रहा है लेकिन कुछ अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध लगती है। विश्व धरोहर ताजमहल पर लेन देन के वीडियो को लेकर विवाद। ताजमहल में देशी विदेशी पर्यटकों से सुविधा शुल्क लेने के वीडियो बनाने को लेकर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के जवान और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के कर्मचारी भिड़ गए। वीडियो बनाए जाने के विरोध में नाराज ASI कर्मचारियों ने आधे घंटे काम ठप रखा। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम नाकाम। आम आदमी के घर और संस्थाओं की तिजोरियों में रखे हजारों टन सोने को निकालकर बैंकों में जमा कराने के इरादे से शुरू की गई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम नाकाम साबित हुई। इस योजना के तहत मात्र 5% सोना बैंकों में जमा हो पाया। कुलाधिपति महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय आगरा से बेखबर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा के अधिकारियों और कर्मचारियों की कारगुजारी का खामियाजा स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है लेकिन विश्वविद्यालय की कार्यशैली में कोई खास बदलाव नहीं दिखाई देता। दीक्षांत समारोह मनाकर कुलाधिपति मुखदर्शक बने रहते हैं। हजारों छात्रों का भविष्य चौपट हो रहा है, समाधान होता दिखाई नहीं देता। चुनाव जीतने के लिए सामाजिक न्याय होगा भाजपा का मूल मंत्र। मंगलवार को भाजपा मुख्यालय पर भाजपा व राजद शासित 1.5 दर्जन राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की दिन भर चली बैठक में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जीत का संकल्प लिया गया। घरेलू शेयर बाजार में तगड़ा उछाल, निफ्टी 11,700 के पार। घरेलू शेयर बाजार में नई ऊंचाई का सफर जारी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से अच्छे संकेतों के दम पर लगातार शेयर बाजार बढ़त में है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी पहली बार 11,700 के मनोवैज्ञानिक स्तर पर बंद हुआ। 29 अगस्त को हुआ था संविधान प्रारूप समिति का गठन। 1947 में आज ही के दिन संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाली प्रारूप समिति का गठन किया गया था। उनतीस अगस्त को हुई थी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस नेटफ्लिक्स की स्थापना। 1997 में आज ही इंटरनेट के माध्यम से लोगों को फिल्में, टीवी शो, अन्य मनोरंजक सामग्री प्रदान करने वाली कंपनी नेटफ्लिक्स की स्थापना कैलिफोर्निया में रीड होस्टिंग और मार्क रेडोल्फ ने की थी। आप देख रहे हैं गीतम सिंह का 7 इंडिया न्यूज।